नकबजनी की वारदात को दिन दहाड़े अंजाम देने वाले दो शातिर नकबजनों को पुलिस अन्नपूर्णा ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों से 1.5 लाख रुपए नकद और तकरीबन 6 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण भी जब्त होना पुलिस ने बताया है। अपने शौक पूरे करने या फिर यूं कहें कि अपनी आपराधिक प्रवृत्ति को जारी रखने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में इन दिनों चोर और नकबजनी की वारदातों को अंजाम देने में लगे हुए हैं। हाल ही में सामने आए अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में 3 नकबजनों की वारदातों को अंजाम देने वाले 2 शातिर बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी के अनुसार बीते महीने में हुई 3 वारदातों में से 2 वारदातों को बदमाशों ने दिन दहाड़े अंजाम दिया था। इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे और मुखबिर तंत्र की मदद से इन आरोपियों को पुलिस ने पकड़ना बताया है। वहीं पकड़े गए आरोपियों से सोने चांदी के आभूषण सहित 1.5 लाख रुपए नकद जब्त किए हैं। क्या कुछ माल बरामद हुआ है और कहाँ के रहने वाले हो, क्या नाम है? हाँ, ये अभी पिछले मई माह में थाना अन्नपूर्णा क्षेत्र में 3 नकबजनी की वारदात हुई थी, जिसमें 2 नकबजनी की वारदात दिन दहाड़े हुई थी, दिन में हुई थी। और सोने घर में नकबजनों ने चेन लगा के दरवाजा के ताला तोड़ कर अंदर घुसकर चोरी की थी, जिसमें हमने तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध कर उसे वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में हमने एक टीम गठित की थी, क्योंकि 3 घटनाएं हो चुकी थी मई महीने में। और अक्सर गर्मियों के समय पूर्वक हमारी टीम ने घटनास्थल से लगा के जहां भी संभव हो सकते थे उन सभी स्थानों की सीसीटीवी फुटेज देखे। सीसीटीवी फुटेज में लगभग हमारी टीम ने 150 सीसीटीवी फुटेज के कैमरे के फुटेज देखे, और जो हुलिया हमें उन बदमाशों के मिले थे, कुल 2 बदमाश थे, उस हुलिया के आधार पर उनको हमारे मुखबिर तंत्र को उसमें एक्टिव करके और मुखबिर की जानकारी के आधार पर जो सूचनाएं हमें मिल रही थी उसके आधार पर और सीसीटीवी फुटेज में जो प्राप्त उनके फोटो थे, उस जो हुलिया था उसके आधार पर हमने 2 बदमाशों को धर दबोचा है, गिरफ्तार किया है और उनसे सख्ती से पूछताछ की गई। तो उसमें उन्होंने 3 वारदात चूँकि हमारे यहाँ हुई थी, 3 वारदात में लगभग 100 ग्राम के सोने के आभूषण और 0.5 किलो के लगभग चांदी के आभूषण की चोरी करना स्वीकार किया। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों में से एक आरोपी को लेकर थाना प्रभारी ने कहा कि शहर के ही थाना छतरीपुरा का निगरानी सुदा बदमाश है और दूसरा भी लगभग इसी श्रेणी में आता है। कुल मिलाकर दोनों शातिर पुलिस की गिरफ्त में हैं।